जब गंगा स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने आए स्वयं देवों के देव महादेव, और फिर जो हुआ उसे देख सभी भक्त ही कांपने लगे। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार अनूप शहर के पास में बह रही गंगा नदी में हुआ, जहाँ पर एक गांव बसा हुआ है। यहाँ रोज गांव वासी गंगा नदी में स्नान करने आते हैं, तो कुछ लोग गंगा नदी के ठंडे पानी का आनंद लेने। दरअसल भीषण गर्मी के दौरान राजीव नाम का एक 25 साल का लड़का अपने दोस्तों के साथ सोमवार के दिन गंगा नदी स्नान करने सुबह के समय जाता था। इतना ही नहीं, राजीव बचपन से ही महादेव का परम भक्त था, और जब से उसने होश संभाला तभी से वो महादेव का व्रत करता था। साथ ही वो हर सोमवार अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी में स्नान करता और उगते सूर्य को अर्घ देकर वापस घर जाता और महादेव की पूजा अर्चना करके ही अपने दिन की शुरुआत करता था। एक बार राजीव अपने दोस्तों के साथ गंगा नदी के किनारे सुबह करीब 4:30 बजे गया था। गर्मी का समय था तो नदी का ठंडा पानी उसे अच्छा भी लगता था। राजीव नदी के अंदर ही अंदर डुबकी लगाकर तैरने लगा। अचानक से मौसम बिगड़ा और पानी में काफी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते उन लहरों के बीच राजीव फंस गया, जिसके चलते वो नदी के बीचों बीच पहुंच गया। वही राजीव के दोस्त जैसे तैसे लहरों के बीच से अपनी जान बचाकर नदी के तट पर पहुंच गए, लेकिन राजीव उन लहरों के बीच फंस गया। राजीव को डूबता देख उसके दोस्त ने गोताखोर और गांव वासियों को राजीव के डूबने की सूचना दी, जिसके बाद नदी के तट पर लोगों का जमावड़ा लग गया। वही राजीव भी मन ही मन महादेव का नाम जपने लगा और उसकी जान बख्शने की अरदास लगाने लगा। कुछ ही मिनटों में उसको नदी की लहरों के बीच एक साधु दिखा, जो कि राजीव की तरफ आ रहा था। वो साधु लहरों को चीरता हुआ राजीव के पास पहुंचा और उसको अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार करने लगा। सबसे हैरानी की बात ये रही कि जब वो साधु राजीव के पास पहुंचा, तब लहरें खुद ब खुद शांत हो गई और वो साधु आराम से उसको अपने कंधे पर बैठाकर नदी किनारे ले आया। नदी के तट पर पहुंचकर राजीव ने उस साधु के पैर छूकर अपना शुक्रिया अदा करा। नहीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने उस साधु को भगवान का रूप मानकर उसका धन्यवाद किया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो साधु किसी से कुछ भी कहे बिना मंद मंद मुस्कुरान के साथ अपनी राह की ओर चला गया। दोस्तों, इसके बाद राजीव ने अपने घर जाकर सबसे पहले शिवलिंग का जलाभिषेक किया और 101 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे।